नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। दोस्तों अभी भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में तीन T20 मैचों की सीरीज जल्दी स्टार्ट होने वाली है और साथ ही इस T20 सीरीज के बाद जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत का दौरा करेगी, जहां पर तीन वनडे मैच खेले जाएंगे, जहां पर तीन वनडे मैचों के लिए भारत टीम के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। और साथ ही इस सीरीज के बाद मार्च के महीने में एशिया 11 और वर्ल्ड 11 की टीम के बीच में दो T20 मैचों की सीरीज खेली जाने वाली है। बात करें पहले T20 मैच की, तो यहां पर जो पहला T20 मैच है वो 18 मार्च को ढाका के स्टेडियम में खेला जाएगा और साथ ही जो दूसरा T20 मैच है वो 21 मार्च को ढाका के स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर जो T20 मैच है वो शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि एशिया 11 की टीम की T20 स्क्वाड में पाकिस्तान खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, जहां पर काफी बड़ा फैसला लिया गया है कि जो पाकिस्तान खिलाड़ी हैं वो एशिया 11 की T20 टीम के स्क्वाड में नहीं खेलेंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे चार भारतीय खिलाड़ियों के बारे में और साथ ही एशिया 11 की टीम की तरफ से खेल सकते हैं। हम पूरी बातचीत करेंगे उन्हीं खिलाड़ी के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे एशिया 11 की टीम का क्या स्क्वाड रहने वाला है। तो हम पूरी बातचीत करने वाले इस पूरी वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप इस पहले पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है फैनफाइट फैंटेस्टी ऐप ने, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करते ही आपको 300 रुपए का कैश बोनस मिल जाएगा। इस ऐप की खास बात यह है कि यहाँ पर काफी कम कंपटीशन है, साथ ही आप काफी आसानी से कैश जीत सकते हैं। इस ऐप को शेयर करने पर आपको 500 रुपए मिल जाएंगे और साथ ही आप मैच शुरू होने से आखिरी समय तक आप अपनी टीम एडिट कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। दोस्तों बात करें पहले खिलाड़ी की, यहाँ पर पहले खिलाड़ी होने वाले MS धोनी, जहाँ पर जो महेंद्र सिंह धोनी है वर्ल्ड कप 2019 के बाद से लगातार बाहर चल रहे हैं भारतीय टीम से, तो ऐसे में जो धोनी है वो इस T20 सीरीज में खेल सकते हैं और साथ ही एशिया 11 की टीम की कप्तानी कर सकते हैं। यहाँ पर धोनी के ज्यादा चांस है खेलने के लिए। बात करें दूसरे खिलाड़ी की, तो यहाँ पर दूसरे खिलाड़ी होने वाले सुरेश रैना, जहाँ पर जो सुरेश रैना है वो 2 साल से लगातार बाहर चल रहे हैं भारतीय टीम से, तो ऐसे में यहाँ पर जो सुरेश रैना है वो एशिया 11 की टीम की तरफ से खेल सकते हैं। जहाँ पर सुरेश रैना है वो नंबर 3 पर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और साथ ही बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। बात करें तीसरे खिलाड़ी की, तो यहाँ पर तीसरे खिलाड़ी होने वाले रविचंद्र अश्विन, जहाँ पर रविचंद्र अश्विन है वो भारत की ODI टीम और साथ ही T20 टीम का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर रविचंद्र अश्विन है वो एशिया 11 की टीम की तरफ से खेल सकते हैं और साथ ही बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। बात करें चौथे खिलाड़ी की, तो यहाँ पर चौथे खिलाड़ी होने वाले हैं दिनेश कार्तिक, जहाँ पर दिनेश कार्तिक हैं वर्ल्ड कप के बाद से लगातार बाहर चल रहे हैं और साथ ही भारतीय टीम की T20 टीम और साथ ही वनडे टीम का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर दिनेश कार्तिक हैं वो एशिया 11 की टीम की तरफ से खेल सकते हैं और साथ ही पहले भी वर्ल्ड 11 की टीम की तरफ से खेल चुके दिनेश कार्तिक, तो ऐसे में यहाँ पर दिनेश कार्तिक हैं उनके ज्यादा चांस है खेलने के लिए। अब दोस्तों बात कर लीजिए एशिया 11 की टीम के स्क्वाड के बारे में, यहाँ पर पहले ओपनर होने वाले तमिम इकबाल और साथ ही दूसरे ओपनर होने वाले मोहम्मद शहजाद, वही नंबर 3 पर सुरेश रैना खेलेंगे। बात करें मिडल ऑर्डर की, नंबर 4 पर महेंद्र सिंह धोनी, नंबर 5 पर मुश्फिकर रहीम, नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक खेलेंगे। तो इस प्रकार का मिडल ऑर्डर रहने वाले एशिया 11 की टीम का। अब बात करें हम लो ऑर्डर की, नंबर 7 पर थिसारा परेरा, नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 9 पर राशिद खान, नंबर 10 पर मुस्तफिजुर रहमान और नंबर 11 पर लसिथ मलिंगा खेलेंगे। तो इस प्रकार की संभावित रहने वाली एशिया 11 की टीम की। अब आपको क्या लगता है कि एशिया 11 की टीम की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी करनी चाहिए नहीं, आप हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।